बांसवाड़ा पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर ब्राह्मण समाज में आक्रोश फूट पड़ा है। ब्राह्मण समाज ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली पुलिस के ऐसे बर्ताव की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सरकार से कार्यवाही की मांग की है। बांसवाड़ा पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर सोमवार को एक ब्राह्मण विरोधी पोस्ट डाली गई, जिसमें अंग्रेजों के साथ ही ब्राह्मणों को भी अत्याचारी बताया गया। बांसवाड़ा पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर पर यह पोस्ट डालने के बाद वायरल होने लगी, जिस पर ब्राह्मण समाज में आक्रोश फूट पड़ा। लोगों ने पुलिस के इस पोस्ट को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। वहीं कई ब्राह्मण सामाजिक संगठनों के विरोध पर कुछ देर बाद ही इस पोस्ट को हटा दिया गया। मामले को लेकर बांसवाड़ा एसपी राजेश कुमार ने कहा कि यह पुलिस का अधिकृत पोस्ट नहीं था, ऑपरेटर ने अनाधिकृत पोस्ट किया है और उस पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। विप्र फाउंडेशन डूंगरपुर के जिलाध्यक्ष नारायण पंड्या ने कहा कि ब्राह्मण संपूर्ण समाज का हित चाहने वाला है। ब्राह्मण ही एक ऐसा समाज है जो सर्व मंगल की कामना करता है, लेकिन पुलिस के ऑफिशियल सोशल साइट्स पर इस तरह की पोस्ट सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम शांति और कानून व्यवस्था बनाने के साथ सभी समाज धर्म और वर्गों में सामाजिक समरसता बनाने की भी है, लेकिन पुलिस की ओर से भी सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम हो रहा है, तो फिर व्यक्ति किस पर भरोसा करे। सर्वमंगल की कामना करने वाले ब्राह्मण समाज के खिलाफ पोस्ट करने वाले पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से ऐसे पुलिस कर्मियों को तुरंत बर्खास्त करने की मांग रखी है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।